किनसे? आ जाओ तुम लोग, आ जाओ तुम लोग, दो आदमी को तय करो तुम से। आधे कर लिए भाई साहब जी, मानो मध्यान्हेन्द्रिमाता ओम जो शांति शांति रक्त शांति पृथ्वी शांति नाप शांति औषधय शांति वनस्पत शांतिर्वेश्वदेव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वे शांति शांतिदेव शांति सामा शांति यतो यत्सम्यसे ततो नोऽयं कुरु क्षन्नं कुरु प्रारुभ्यम्यन्नः मत्कर्णं भैरणं गिर्याचरणं गणेशो वंदे केदार निवेशं योगीशं सर्व जगदीशं ओम समुचेदंतस्य कभ्रोगैकाणकः रम्भोजस्यं गुरुभन्नाथो विनायकः ओम केदारस्य वासिन्धुभोजाना लास्यचान्नामानि
आप प्रत्येक यागा विद्यारंग गाय जेंद्र हेता संग्राम की ओम ग्रहणांता गणपति गुंगावा नियणांता प्रियपत गुंगावामय निरीनांता निरीपत गुंगावामय यशो ममहामय सर्वत्रमयाधिग्रभुं ओम पात्रिंदो वज्रत्वा पात्रपूजा विश्वेदा ओम अग्निदेवता आदित्या देवता मतौ देवता वेष्णुदेवा देवता प्रत्यन्देवेन्द्रो देवता वणौ देवता ॐ विश्वान् देवचतुर्था राशुवा भद्रं चन्द्रयासुवा ॐ एतन्ते देवभूतज्ञं बृहस्पते ब्रह्महूते यज्ञं येन प्रत्येनं मामवः ॐ मनोजूतिर्सामायसं बृहस्पतिमन्त्रोत्तरत्वं यज्ञं गुं संविदम् धातु वेष्णुदेवा आहवयन्तामो प्रतिष्ठ एषैवे प्रतिष्ठा नाम यज्ञो यत्तेनं यज्ञेनं यन्त्रेतेनं स्वरमेव प्रतिष्ठं भवति ॐ श्रीं मङ्गलाधिपति लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः महामहेश्वराभ्यां नमः वाणीरगाभ्यां नमः जीवृन्दाभ्यां नमः मातृपितृभ्यो नमः त्रिदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः धामदेवताभ्यो नमः इष्टादेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः ओम नमो ब्रह्म देवाय गौरामजा जगत्या कृष्णा गोविंदाय नमो नमः पंडित जी बैठे रहना पंडित इधर वारे की जय आपने मुझे तीन बार
विधायक बनाया लगातार, और 3 बार पहले जो यहाँ की समस्याएं थी और आज की समस्याएं जो है उसमें अंतर आया हुआ। गिलास खाली था एमसी का, आधा भर दिया तो एक सोच यह कि गिलास पहले खाली था आधा भर चुका है, और दूसरा सोच यह है अभी तक खाली आधा खाली आधा खाली आधा खाली इसको बयान करें। तो एक सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव अप्रोच है ये देखना कि पहले खाली था भर रहा है और आगे उम्मीद करेंगे, और एक आलोचना करते रहना उसको दिखाओ ये नहीं हुआ। तो मित्रों अगर सकारात्मक सोच होगी तो करने वाले का भी उत्साह बढ़ेगा और अधिक जोश से काम करेगा, यहाँ के कार्यकर्ता भी आगे बढ़ के काम कराएंगे। तो यह सोच रखनी चाहिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा। दूसरे, पहले मैं आपने जब विधायक चुना तो मैं यही क्षेत्र का एक विधानसभा क्षेत्र का विधायक था, और मुझे ज्यादा टाइम था कि आप लोगों के बीच आने का। मैं प्रतिदिन जब भी आगरा होता था तो सुबह 2 घंटे किसी गली मोहल्ले कॉलोनी कूचे में जाके लोगों से मिलता था, उनकी समस्याएं सुनता था, मिलना जुलना जारी था मेरा व्यक्ति। अब पूरा प्रदेश की जिम्मेदारी आप लोगों के आशीर्वाद से मिली है, यानी 403 विधानसभा क्षेत्र के शिक्षा की जिम्मेदारी मेरे पास है, काम बढ़ गया। आप सबके आशीर्वाद से मुझे मेरे नेतृत्व में इस लायक समझा कि बहुत बड़ा कार्य जो शिक्षा क्षेत्र का होता है, और आईटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी 3 बड़े डिपार्टमेंट, तो फिर समय कहाँ से चुराऊंगा, आप ही लोगों से चुराऊंगा। तो आपका जो टैंक था वो मुझे कहीं और भी देना है, जब बड़ी जिम्मेदारी में। अब जैसे हमारे पार्षद जी है, हेमंत जी है, इधर से डॉक्टर भगवान दास जी रहे, ये इस क्षेत्र को देखते हैं, इन पर जो समय है पूरा समय इस क्षेत्र को देखने दाखने मिलने जुलने इस पर रहता है। अब इनमें से कभी कोई विधायक बन जाए तो फिर 30 पार्टों को देखेंगे तो आपके समझ ही निकल पाए, नहीं नहीं देख पाए, ऐसी देर पर पूरा प्रदेश है। आगरा में पानी आ गया, मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि कल कुछ जगह नहीं पहुंचा है, जहां पर वहां भी पहुंच रहा है, लाइनें बिछ रही है, लाइनें बिछ को कनेक्शन हो रहे हैं, लगातार काम चल रहे हैं। जहां नहीं आया मुझे पता है कि आप लोग कर रहा हूँ काम, लाइन बिछवाई थी हमने ठाकुर साहब के कहने, इन्होंने बताया कि यहाँ पानी नहीं है, मैंने कहा लाइन बिछवाओ। अभी पूछ रहा था ठाकुर साहब से और इनसे कि उसका कनेक्शन का क्या हाल है, हुआ कि नहीं हुआ, इन्होंने कहा अभी नहीं हुआ, मैंने कहा चलो मेरे को बता रहा मैं कराऊंगा। आपसे ज्यादा चिंता मुझे क्षेत्र की रहती है, आप लोग को बताओगे तुम है आप का बच्चा कोई बीमार है, पैसे वाले तो चले जाते हैं दिल्ली लखनऊ चेन्नई ग्वालियर जयपुर, गरीब आदमी तो नहीं जा पाता था, और यहाँ का ऐसा मेडिकल कॉलेज कैसा बर्बाद था। आप यदि 5 साल पहले मेडिकल कॉलेज गए हो तब का मेडिकल कॉलेज देखिए और आज का मेडिकल कॉलेज। आप तो मन को आज सीखा, पढ़ लिखे को फार सीख जाए, आदमी को पढ़ाई और दवाई शिक्षा और चिकित्सा इसकी जरूरत पड़ती है, जिंदा रहना। आप लोगों ने कभी सुना होगा किसी को कहते हुए डॉक्टर साहब से, किसी माँ को या किसी पिता को, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए चाहे मेरा घर घूरा भी जाए, ये जरूरत है दवाई। और यहाँ इससे पहले किसने सोचा कि इतना बड़ा ऐसा मेडिकल कॉलेज, यहाँ के लोगों को दवाई नहीं मिलती, सुविधाएं नहीं मिलती, जो बड़े रोग होते हैं उनके लिए बाहर जाना पड़ता है, जो पैसे वाले चले जाते हैं, जो गरीब है वो नहीं जा पाते, उनके घर वाले सांस तोड़ देते हैं।
मैंने इसकी जिम्मेदारी ली और आज एसएन मेडिकल कॉलेज धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। अब आप जाके देख लीजिए, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छी बिल्डिंग बन चुकी है, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिल रही है। आज आम आदमी प्राइवेट में नहीं वहां जाना पसंद कर रहा है, गरीबों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो काम करने वाली सरकार आई है, काम करने वाले लोग आए हैं और काम समस्याएं तो बनी रहेगी, चाहे जिंदगी जब तक है तब तक समस्याएं बनेंगी, लेकिन उसमें नियत साफ होनी चाहिए समस्या दूर कर देती है। एक हो गया वोट लिया और खिसक गया, हम वोट लेके खिसकने वाले लोग नहीं है, हम वोट लेकर आपके बीच को उपस्थित रहने वाले लोग, समस्याओं को समझने वाले लोग, सतत संपर्क रहे जनता से, ये मेरी कार्यशैली है। सतत संघर्ष हो जनता की समस्याओं के लिए, पहले विपक्ष में थे तो सड़क पर करते थे, अब व्यवस्था में खा जाकर करते जहां होती थी और समाधान मिले, सतत समाधान मिले। जैसे अभी आपको एक समाधान दिया है, सड़क खराब थी अब अच्छी बनी है, समाधान भी कर, पानी दिया, चिकित्सा सुविधाएं दी, पहले समर से मिल दिए, इस तरीके से आप लोगों के बीच हम उपस्थित रहते हैं, काम करते रहते हैं। इससे पहले चलिए, कितने विधायक बने, कौन आया आपके बीच में,